Guys, I'm finally packing for college and this is my list. I'm going to collect all the items first and then we will start packing. In ghar ka sabse ghatiya most bag kyunki college mein jaake to bas storage ki tarah use hona hai. So yeah, let's go. I have collected almost everything. Now I'm going to clean this board because yes, this is also going with me. So finally, बहुत ज़्यादा जतन करने के बाद सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है. So I will show you what all I have collected and what all you guys need to pack if you are going to hostel. So first let's start with this section over here which you already have seen. So we have some toiletries right here, doormat, then plate, ek extra bottle, then of course bed sheet, pillow cover, curtains, and then press, then the mirror, my board and the bucket. Mug to maine aapko pehle dikha diya tha. So this all, and then we have other things, thoda aur bedding, chadar odhne ke liye cushion, cushion cover, then we have machhardani, टेबल क्लोथ, सम मोर एसेंशियल्स. यानी मेरा थोड़ा सा सामान है, स्टेथोस्कोप, मास्क, ग्लव्स वगैरह, बुक्स वगैरह जो भी हैं, थोड़ी बहुत कीबोर्ड, देन पावर बैंक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लूटूथ स्पीकर इफ़ यू वांट टू टेक इट, वॉलेट, सम मोर थिंग्स, बोर्ड के लिए चौक या मार्कर, नेल कटर ऑफकोर्स, एंड देन वी हैव क्लोथ्स, दिया सारे कॉलेज के क्लोथ्स हो गए, सम स्कार्फ्स, हैंकीज, घर के कपड़े मतलब हॉस्टल के कपड़े, एंड यू विल ऑल्सो नीड सम एक्स्ट्रा थैला इफ़ यू वॉन्ट टू नो शॉप फॉर फ्रूट्स वगैरह समथिंग, एंड सम मोर bags to pack. Then yes, आपके जूते चप्पल जो भी, मैं सारा सामान नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरा घर नज़दीक है, सो आई कैन गेट थिंग्स. उसके बाद थोड़ा सा डस्टिंग के लिए क्लोथ, रोप क्योंकि पर्दा टांगने के लिए कुछ है नहीं. इसके अलावा यू विल ऑल्सो नीड दीज क्लिप्स कपड़े हैंग करने के लिए अगर आपको करने हैं तो, एंड दीज हुक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Let's go. I'm starting with clothes. I'm going to keep my jeans and all the stuff that I won't use regularly first. And as you can see, I'm using this cloth bag to keep my good clothes in so that they remain more protected. And I'm going to use this mota wala chadar to keep my mirror so that it toot na jaye aadhe raste mein. And main aapko ek cheez dikhana bhul gayi, wo hai ye chakku. So I'm also keeping one knife to cut fruits and all just in case. Aur main sabko har kone mein ghusa ke apne bag ki puri jagah utilize karne wali hu. जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि क्लिप्स वगैरह, उसको मैं मग में, ग्लास के अंदर, कटोरी में, मतलब कहीं भी डाल दूँगी ताकि वो जगह कम ले. आई डोंट वॉन्ट कि बहुत सारा सामान हो जाए मेरे साथ. आई डोंट वॉन्ट टू नो कैरी मल्टीपल बैग्स. तो या दैट वाई. And in a different plastic bag, I'm going to keep all my shoes and other footwears in. अब मेरे जितने इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज हैं एंड जो भी बुक्स वगैरह है उसको मैं अपने शोल्डर बैग में ही रखने वाली हूँ, लेकिन अंदर थैला डाल के, एंड जो भी कुछ बचा वो सब उसी थैले के अंदर जाएगा. छोटी मोटी चीज़ों के लिए यू कैन कैरी अ स्मॉल बॉक्स और बैग ताकि आपकी चीज़ें इधर उधर ना हो. मेरे पास ज़्यादा सामान है नहीं तो माई बॉक्स इज वे टू स्मॉल. या एंड गाइस, फाइनली सब कुछ पैक हो चुका है. सो नाउ लेट्स टेक आवर चेकलिस्ट. आई हैव पुट अ बोर्ड, कपड़े, टॉवल वगैरह वगैरह, मिरर, यस, बकेट मग हो गया, डोमैट हो गया है, पर्दा हो गया है, टेबल क्लॉथ हो गया है, दुपट्टा एंड स्कार्फ हो गया है, नहीं दुपट्टा रह गया है,
कुशन हो गया है, गद्दा हो गया है, तकिया हो गया है, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, यस, सोप एंड एवरीथिंग एल्स, यस, मास्क, ग्लव्स, यस, बेडशीट, पिलो कवर, यस यस, कपड़े वाले क्लिप, यस, मॉस्किटो नेट, यस, प्लेट, कटोरी, चम्मच, यस, चाकू, यस, एंड बाकी सब चीजें जो डब्बे में थी वो भी यस। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर द पैकिंग। ऑफ कोर्स मेरा सामान कम है क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े लेके नहीं जा रही, बिकॉज मेरा कॉलेज इसी सिटी में है तो मैं अपने कपड़े बाद में ले जा सकती हूँ, जब जैसी ज़रूरत हो तो ले जा सकती हूँ। सेकेंड थिंग, मैं सीजन्स के अकॉर्डिंग सामान लेके जा रही हूँ, अगेन बिकॉज आई एम लिविंग द सेम सिटी। अगर आपका कॉलेज दूसरे सिटी में है, दूसरे स्टेट में, कहीं और दूर जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको उस हिसाब से कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, सारे कपड़े लेके जाने पड़ेंगे और सब कुछ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा बिकॉज यू डोंट हैव एनी बैकअप। बट कुछ चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी, जो चीज़ें जैसे कि बकेट हो गया, गद्दा हो गया, ये सब बिल्कुल मत खरीदना। एंड कोई भी हैवी चीज़ है जो आपको नई ही लेनी है, जैसे कि प्रेस आई बॉट न्यू, तो आप डायरेक्टली उसी सिटी में जाके खरीद सकते हैं। वो जो चीज़ें हर जगह मिलती हैं वो आप वहाँ भी जाके ले सकते हैं, राइट, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो डायरेक्टली वहीं जाके करना, ताकि आपका सामान बेवजह ज़्यादा ना हो जाए एंड आप वहाँ जाके अपनी नीड भी समझ सको। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।